ये बात तो लगभग हम सभी को पता ही है कि हमारे इस हिंदू धर्म में ग्रहों नक्षत्रों को कितना महत्व दिया जाता है, और इन सब के साथ साथ हमारे इस हिंदू धर्म में तो राशियों, दिशाओं और न जाने कितनी ही ऐसी वस्तुओं को भी काफी महत्व दिया जाता है। मानो इन सब के बिना तो जैसे हिंदू धर्म अधूरा ही है। आपको बता दें कि इन सब बातों के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में तो इस बात तक को काफी हद तक सच भी माना गया है कि इन ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों का एक इंसान की जिंदगी से बिल्कुल सीधा संबंध है। और इसलिए अक्सर हम सुनते हैं कि किसी ग्रह की चाल में बदलाव के कारण राशियों में हुए परिवर्तन से उस राशि के इंसान की किस्मत का भी रुख बदल जाता है। ग्रहों की दशाओं का अपना विशेष महत्व होता है। कुंडली में बनने वाले शुभ अशुभ योग भी अपना शुभ अशुभ प्रभाव विशेष रूप से अपनी महादशा अंतर दशा में दिखाते हैं। अगर जीवन के प्रारंभ में शुभ फल की प्राप्ति कराने वाले ग्रह की दशा आ जाए, या जीवन के प्रारंभ से ही ऐसी दशाओं का आगमन जातक के जीवन में हो जाए, तो वर्तमान समय के लिए भी सहायक हो तथा भविष्य में आने वाले समय के लिए भी सहायक हो, तो जातक का उत्तम भाग्य निर्माण होने के योग बन जाते हैं। जब भी समय में परिवर्तन आता है, तब ग्रहों का भी परिवर्तन होता है। और शास्त्रों के अनुसार किसी भी ग्रह के परिवर्तन से न कोई शुभ आय, अशुभ संयोग जरूर बनता है। ज्योतिष के अनुसार आज से 11 दिन के बाद कुछ ग्रह अपने स्थान बदल रहे हैं। ग्रहों के स्थान बदलने का फायदा मुख्य रूप से इन तीन राशियों को होने वाला है। तो कौन सी है वो तीन राशियां, चलिए आपको बताते हैं उन राशियों के बारे में। पहला, मेष राशि। आज से 11 दिन के बाद मेष राशि के जातकों की किस्मत पलटने वाली है। इस राशि के जातकों के जीवन में किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का आगमन होने वाला है जिनकी वजह से उनका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। नौकरी तलाश कर रहे लोगों को किसी प्रतिष्ठित कंपनी से बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है। 11 दिन के बाद आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। इस राशि वालों के जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन होने वाला है जो कि उनको मुनाफा करा सकता है। नौकरी तलाश कर रहे लोगों को किसी कंपनी से बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। दूसरा, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के जीवन में 11 दिन के बाद मिथुन राशि वालों के लिए शुभ संयोग बन रहा है। इन राशि वालों के जातकों को कुछ दिनों में विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। परिवार में चल रहे कलेश खत्म हो जाएंगे। आज से 11 दिन के बाद आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके परिवार में शांति बनी रहेगी और परिवार में चल रहे कलेश भी खत्म हो जाएंगे। तीसरा, सिंह राशि। सिंह राशि वालों की किस्मत 11 दिन के बाद पूरी तरह से पलट जाएगी। काम की वजह से थोड़ी भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, लेकिन इस भागा दौड़ी से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर आपका कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है तो कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। आप जल्द ही खुद के घर में प्रवेश भी कर सकते हैं। नए लोगों से मिलना या सहकर्मियों का सुझाव आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा और खुशीदायक बना रहने वाला है। यात्रा से लाभ मिलेगा और चिंता बनी रहेगी। आपके खर्च बढ़ेंगे। वाद विवाद से बचे रहें, खुद को शांत रखें, प्रसन्नता रहेगी और निवेश और नौकरी लाभदायक रहने वाले हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।